नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाल मित्रों। हमने गणित में आगे पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे गणित में। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है क्या लुढ़का और क्या किसका। हमें यह चित्रों के माध्यम से पहचान करनी है कि क्या लुढ़का और क्या किसका। चलिए हम देखते हैं। यहाँ देखिए, चित्र को देखो। पार्क में कुछ बच्चे चीजों को लुढ़का रहे हैं और खिसका रहे हैं। हमें यह चित्रों में पहचान करनी है। आपको यह चित्र दिखाई दे रहा है ना आपको चित्र। अब चित्र में हमें पहचान करनी है क्या लुढ़क रहा है और क्या खिसक रहा है। चलिए, यहाँ एक बच्चा क्या कर रहा है, खिसक रहा है। यह लड़का खिसक रहा है। और यहाँ एक लड़का क्या कर रहा है, यह लसापट्टी है, इस पर ऊपर से बैठकर नीचे की तरफ आ रहा है, तो वहाँ खिसक रहा है। क्या कर रहा है, खिसक रहा है। चलो, और चित्र में आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चलिए हम यह चित्र देखते हैं। यहाँ एक डिब्बा है, आप समझ लीजिए कि यहाँ जूते का डिब्बा है और वहाँ उसके तार बांधा हुआ है, एक पतली सी रस्सी बांधी हुई है, जिससे यह लड़का इस डिब्बे को खिसका रहा है। क्या कर रहा है, खिसका रहा है, यह खिसक रहा है। यहाँ आगे जाता है तो डिब्बा क्या करता है, खिसकता है। यहाँ खिसका रहा है डिब्बे को। अब चलिए हम यह चित्र देखते हैं। यह लड़की आपको क्या करती हुई नजर आ रही है, आप सोचिए। चलिए तब तक हम यहाँ देखते हैं। यह लड़का बॉल को धीरे से फेंक रहा है, तो आगे वह कैसे जा रही है, लुढ़कती हुई। कैसे जा रही है, लुढ़कती हुई। या खिसकती है और या लुढ़कती है। तो यह बच्चा जब धीरे से बॉल को आगे की तरफ फेंका तो वह लुढ़का, क्या कहता है, लुढ़क गया। वहाँ आगे की तरफ ऐसे लुढ़कते हुए जाने लगा। और यह देखो, यह लड़की जमीन पर लेट कर और अपने शरीर को लुढ़का रही है। जैसे हम पेंसिल को अगर रख दे, यह हमारी पेंसिल है, समझ लो, यहाँ पेंसिल है, यहाँ पेंसिल है। अब पेंसिल को हम यहाँ से हम उसे टच करेंगे तो वह लुढ़कती हुई जाएगी, वहाँ आगे की तरफ लुढ़कती हुई पेंसिल जाएगी। अब आपके समझ में तो आया कि क्या चीज लुढ़कती है और क्या चीज कौन सी चीज लुढ़कती है और कौन सी चीज हमारी खिसकती है। आपको यह चित्रों के माध्यम से पता चला। अब हम आगे देखेंगे कि हमें आगे लुढ़कने और खिसकने वाली वस्तुओं की जानकारी के लिए हम आगे देखेंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें लुढ़काया जा सकता है और कुछ चीजें खिसकाया जा सकता है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे लुढ़काया जा सकता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें खिसकाया जा सकता है। पर अब उसके अलावा और कोई चीज होती है जिसे हम लुढ़काया और खिसकाया जा सकता है, उसके अलावा और क्या कर सकते हैं, आगे देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कुछ चीजें लुढ़क भी सकती है और खिसक भी, खिसकाई भी जा सकती है।
कुछ चीजें ऐसी होती है जो लुढ़कती है, लुढ़काई जा सकती है, और कुछ चीजें खिसकाई जा सकती है, मतलब दो काम करेगी एक चीज होगी, वह खिसक भी सकती है और लुढ़क भी सकती है। तो हम यहाँ देखेंगे नीचे, यहाँ आपको कौन सा गेम दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं कैरम बोर्ड। या कैरम बोर्ड पर स्ट्राइकर्स है, स्ट्राइकर्स को देखो, जब स्ट्राइकर्स से ऐसा रखा हो तो उसे हम खिसका सकते हैं, क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, वह आगे खिसकती हुई जाएगी। पर अगर स्ट्राइकर्स ऐसा रखा हो तो वह लुढ़कती हुई जाएगी आगे की तरफ। अब हम आगे देखेंगे, अपने चारों ओर की चीजों को देखा, आपने वहां चारों ओर से चीजों को देखा। अब नीचे देखो, हमने सीखा कि कौन सी चीज घूमती हुई जाती है और लुढ़कती हुई इसका मतलब, और कौन सी चीज खिसकती हुई, और ऐसी भी चीजों को हमने जाना कि जो खिसकाई और लुढ़काई जाती है। तो यहाँ तीन कॉलम है हमें लिखना है। तो यहाँ लुढ़कने वाली चीज है तो गेंद, यहाँ लिखेंगे गेंद। गेंद हम लुढ़का सकते हैं और खिसका सकते हैं। नींबू, कंचा, आपने खेला होगा कंचा। ग्रह, आपने ग्रह को देखा होगा कि वह अपने स्थान पर घूमती रहती है। अब चलिए यहाँ आ जाते हैं हम दूसरे में, चीजों को खिसका सकते हैं पर उसे लुढ़का नहीं सकते, तो चारपाई। फ्रिज, अलमारी, कुर्सी, मेज। अब हम ऐसी चीजों को जानेंगे कि जो लुढ़काई और खिसकाई जा सकती है, जैसे कि ग्लास। ग्लास को हम सीधा रखेंगे तो वह खिसका देगी, पर उसे अगर लेटा के रखेंगे तो वह लुढ़कती हुई जाएगी। पेंसिल, बेलन, बॉटल, पाइप। चलिए हम आगे देखते हैं, हमने लुटकाने वाली और खिसकने वाली और इन वस्तुओं के बारे में जाना। अब हम नीचे देखेंगे, नीचे आप देखिए अपना छोटा सा पेड़, हमें एक छोटा सा पेड़ बनाना है, पर किसकी मदद से, कागज की मदद से। तो एक कागज लो, हमें एक कागज लेना है। अब देखो नंबर दो, इसे मोड़ कर एक पाइप बनाओ, इसे हमें मोड़ना है, इस तरह मोड़ना है। पहले हमें कागज लेना है, ऐसे दिखाई देगा, और उसे हम एक छोर से मोड़ेंगे तो वह मुड़ता हुआ मुड़ेगा। अब हमें मोड़ कर उसे ऐसे करना है, वह राउंड बन जाएगा। देखो पाइप जैसा बन गया, तुम्हारा कागज का पाइप देखने में ऐसा लगेगा। गोंद या टेप से इसे चिपकाओ, हमारा कागज का पाइप देखने में ऐसा लगेगा, इसे हमें गोंद या टेप से चिपकाना। नंबर चार, कैची से कागज के इस पाइप के एक छोर को 7 या 8 जगह कट करो। हमें उस कागज के पाइप को कट करना है, ऊपर आधे हिस्से के ऊपर हमें कट करना है, वो भी 7 से लेकर 8 कट करनी है। तो चलिए अब हम नंबर 5 पे आ जाते हैं, कटे हुए कागज के सिरों को नीचे की ओर मोड़ो। हमें कटे हुए कागज के सिरों को ऐसे मोड़ना है, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे मोड़ना है। अब देखो तुम्हारा अपना पेड़ तैयार है, इसमें रंग भरो। हमारा पेड़ ऐसे तैयार हो जाएगा, अब उसमें हम रंग भरेंगे तो हमारा पेड़ ऐसा दिखाई देगा। चलिए अब हम यहाँ आ जाते हैं,
यह आपको क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? चलिए हम पढ़ते हैं पहले। मेरी मीनार सबसे ऊंची। बच्चे खेल खेल रहे मीनार बना रहे हैं। और किसकी मीनार सबसे ऊंची है यह हम जानेंगे यहाँ चित्रों के माध्यम से। क्यों सबसे पहले डिब्बियों से मीनार बनाए? क्या बनाना है हमें? मीनार। पर कैसे? डिब्बियों से। किसकी डिब्बी होनी चाहिए? यहाँ हम चित्र में देखेंगे यहाँ माचिस की डिब्बी होनी चाहिए। माचिस के डिब्बियों से हमें मीनार बनाना है। अब देखो यहाँ आपको दिखाई देगा। देखते हैं कौन सबसे ऊंची मीनार बनाता है। यहाँ एक लड़का है वह मीनार बनाता है। पर कितने डिब्बियों से बनाता है यह हम देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। यह लड़का 6 माचिस की डिब्बियों से मीनार बनाता है। और यह लड़का कितने डिब्बियों से बनाता है वह भी माचिस की डिब्बियाँ हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यह 9 माचिस की डिब्बियों से मीनार बनाता है। तो 9 वाली माचिस की डिब्बियाँ जो है उसके मीनार 6 मीनार वाले से बड़ी है। 6 डिब्बियों वाले से 9 डिब्बियों की मीनार कैसी है? ऊंची है। अब हम देखेंगे मैं सबसे ऊंची मीनार बनाऊंगी, यह लड़की कहती है। अब चलिए हम यहाँ गिनते हैं 1, 2, 3, 4। या तो भाई 4 ही है, संख्या में 4 है। पर यह मीनार तो हमें सबसे ऊंची दिखाई दे रही है। क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इसकी ऊंचाई ऊंची है। तो इसीलिए इस डिब्बे की ऊंचाई ऊंची होने के कारण यह मीनार सबसे अधिक ऊंची दिखाई दे रही है। संख्या में कम है पर ऊंचाई में इसकी मीनार कैसी है? ऊंचा है। यह डिब्बियों देखो डिब्बियों की संख्या अधिक है पर उसकी ऊंचाई कैसी है? कम है। पर यहाँ डिब्बा जो डिब्बों से बनाया गया है इसकी ऊंचाई अधिक है पर संख्या में माचिसों से कम है। चलिए अब यहाँ हम देखते हैं अलग अलग तरह की चीजें जमा करो, जैसे तरह तरह के डिब्बे, गेंद, रबड़, माचिस की डिबिया आदि। अलग अलग तरह की चीजें जमा करनी है और उससे क्या करना है आगे देखेंगे। अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करके अपनी मीनार बनाओ, जैसे केवल माचिस की डिब्बियों से या फिर केवल टीन के टिप्पों से। हमें अलग अलग तरह की क्या बनानी है? मीनार। जैसे यहाँ माचिस के डब्बों से ही बनाया है और फिर यहाँ डब्बों से बनाया गया है सिर्फ, यहाँ माचिस के डब्बों से सिर्फ और यहाँ सिर्फ डिब्बों से बनाया गया है, वैसे हमें भी मीनार बनानी है। अब यहाँ देखो वहाँ तो अलग अलग तरह से और एक बना, अब तो यहाँ देखो क्या कह रहा है। अब एक साथ कई चीज़ों का इस्तेमाल करके मीनार बना। अब हमें अलग अलग चीज़ों से मीनार बनाना है, पर कैसे बनाना है? जूते के डिब्बे और टीन के डिब्बे एक साथ, या फिर गेंद और माचिस की डिबिया एक साथ। अब देखो हमें यहाँ अलग अलग चीज लेना है, वह एक साथ रख कर हमें क्या बनाना है? मीनार बनाना है। वेरी गुड, आप अपने मीनार बना सकते हैं। चलो हम यहाँ देखते हैं सिक्कों का खेल। सिक्कों का खेल में हम सिक्के को किस इस तरह से पकड़ेंगे और उसे इस हाथों से हम मारेंगे तो वह अपने स्थान पर वह सिक्का क्या करेगा? घूमेगा गोल गोल गेंद की तरह। चलिए अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ अगर हम सिक्के को आगे की तरफ सरकाएंगे तो वह घूमता हुआ जाएगा आगे की तरफ, लुढ़कता हुआ। वह लुढ़कता हुआ मतलब ऐसे ऐसे राउंड करता हुआ लुढ़कता हुआ वह आगे की तरफ जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे क्या सिक्का लुढ़कता है? हाँ यह लुढ़कता हुआ जा रहा है तो सिक्का लुढ़कता है। अब हम यहाँ देखेंगे क्या यह खिसकाया जा सकता है?
अब सिक्कों को हम खिसका सकते हैं करके देखेंगे। हम सिक्के को अगर सीधा रखेंगे और उसे उंगली से टच करेंगे स्ट्राइकर जैसे, स्ट्राइकर के जैसे हमने सीधा रखा और टच किए तो वह खिसकेगा। अब देखो यहाँ देखते हैं, क्या तुम 1 रुपये के सिक्के को इस तरह से खड़ा कर सकते हो? क्या आप 1 रुपये के सिक्के इस तरह से खड़ा कर सकते हो? मैं तो कर सकती हूँ, आप कर सकते हो। चलिए अब इसे 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के साथ करने की कोशिश करो। चलिए हम 2 और 5 के सिक्कों के साथ करने की कोशिश करते। तो मैं आपको यह सिक्कों के कुछ चित्र दिखाने जा रही हूँ, जो कि उस चित्र में मैंने कुछ सिक्कों को खड़ा किया है। देखिए यह, देखिए यह मैंने कुछ सिक्कों को खड़ा किया। यह 1 का सिक्का है और यह 2 का, यह 10 का सिक्का। अब हम दूसरा चित्र देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 10 का सिक्का। अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ देखिए 5 का सिक्का और यह भी 5 का सिक्का। यह मोटा है, यह आसानी से खड़ा हो जाता है, पर यह पतला होने के कारण इसे कुछ टाइम लगता है, पर खड़े हो जाते हैं सिक्के। अब हम यहाँ देखेंगे, आपको यहाँ लाइन से दिखाई दे रहा है। यह सभी प्रकार के सिक्के हैं जो खड़े किए गए हैं। तो आप अपने घर पर सिक्कों को खड़ा कर देखना कि वह खड़े होते हैं या नहीं। धन्यवाद, हमारा यह पाठ यहाँ समाप्त होता है। नमस्कार।